नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में स्टार्टर 5 मिनट चल के वापस बंद हो जाता है या 2 मिनट चलता है या 10 मिनट चल के अपने आप बंद हो जाता है, ये समस्या के बारे में बताऊंगा। इस समस्या को हल भी करूंगा इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हमें ये लाइट के दो तार है, ये सिंगल फेस का स्टार्टर है मेरे पास। ये लाइट के फ्यूज है, आपको निकालना है। मेरे तो सप्लाई नहीं लगी हुई है, इसलिए मैं पहले निकाल दिया है मैंने। आपको कोई भी बिजली का कार्य करने से पहले बिजली को ऑफ करना ज़रूरी है। तो स्टार्टर को खोलना है हमें। ऐसा स्टार्टर होगा, इसमें दो पेच होंगे, ये दोनों पेच खोलने हैं। ये दोनों पेच खोलने के बाद स्टार्टर ओपन हो जाएगा, ये खुल जाएगा। खोलने के बाद ऐसा आपके स्टार्टर में होगा, इस तरह से तार होंगे, इस तरह से लगे होगा सभी। ये सिंगल फेज का स्टार्टर है और थ्री फेज का भी ऐसा ही आता है। उसमें ये रिले होती है। तो इस रिले को हमें ऐसे कम बेसी करना है। इस रिले को ऐसे पेचकस से घुमाओगे तब यहाँ नंबर होंगे। ये भी 0 पे हो गई है और ये अभी 40 एम्पेयर पे हो गई है और ये 50 पे हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कितने एम्पेयर मोटर ले रही है। इस प्रकार से इस रिले को सेट करना है। आपकी मोटर 20 एम्पेयर लेती है तो यहाँ 20 एम्पेयर पे सेट कर सकते हो। आपकी मोटर 40 एम्पेयर लेती है तो 40 एम्पेयर पे सेट कर दो। और आपकी मोटर 5 एम्पेयर लेती है तो 5 एम्पेयर के हिसाब से यहाँ सेट करना है। ये एम्पेयर के हिसाब से सेट होती है। आपकी मोटर 20 एम्पेयर लेती है तो आप 25 एम्पेयर पर या 30 एम्पेयर पे सेट कर सकते हो। और आपकी मोटर 30 एम्पेयर लेती है तो 40 एम्पेयर या 45 पे सेट कर सकती हो। हमारी मोटर 10 एम्पेयर लेती है, हम 5 एम्पेयर पर सेट करेंगे तो ये स्टार्टर पहले तो चालू होते ही या तो बंद हो जाएगा, या चालू हो गया तो 1 मिनट या 2 मिनट में वापस बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रिले कम एम्पेयर पे सेट कर दिया है हमने। तो ये जल्दी सी ट्रिप हो जाएगा स्टार्टर, इसलिए हमारी मोटर जितने एम्पेयर लेती है उस एम्पेयर के हिसाब से इस रिले को सेट करना है। ये मोटर 30 एम्पेयर लेती है, सिंगल फेस है, तो मैं इसको 40 एम्पेयर पे सेट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी बहुत गर्म भी हो तो बंद नहीं होगी, ये स्टार्टर बंद नहीं होगा। अब तो समझ में आ गया होगा।